सत्तू, इसे लेके इसके मायके आ जा। माँ साहब, हमारे घर अचानक से क्यों? आओ तुम लोग, पता चल जाएगा। चलो। आ गए ये लोग। माफ कीजिएगा, डॉक्टर के जाना पड़ा। उसने हिलने ही नहीं दिया बिस्तर से, कहने लगा खतरा है, इसलिए आप लोगों को बता नहीं पाए। नमस्कार समधी जी। अरे समदन जी, अरे वाह वाह वाह, आइए 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 बैठिए। आज सुबह सुबह आप और हमारे यहाँ, सब खैरियत तो है ना? अरे खदा, अपने घर में भी कोई बता के आता है क्या? हैं? तुम जाओ जल्दी से चाय नाश्ते का इंतजाम करो, मैं जल्दी से जाके गर्मा गर्म समोसे और दही जलेबी लेकर के आता हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है संदीप, मैं आज आपसे कुछ जरूरी बात करने आई। सत्तू और परी की शादी धोखे से हुई थी। आपको मैंने ये बात इसलिए बताई क्योंकि बेटी के पिता होने के नाते ये आपका हक बनता है। इतना बड़ा झूठ भावना देवी, इतना बड़ा षड्यंत्र, और आपको क्या लगा कि आप इतनी बड़ी बात बताएंगी और मैं अपनी बेटी को आपके घर पर रहने दूंगा? आज से, इसी वक्त से मेरी बेटी आपके घर में नहीं रहेगी भावना देवी। समधी जी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है और आप मुझे जो भी सजा देना चाहते हैं मुझे मंजूर है। आपकी सजा यही है भावना देवी, कि आप यहां से चली जाएं। बस कीजिए पापा जी, आप हमारी माँ से ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? हमारी माँ का बड़प्पन है ये, जो खुद आपके पास आई है, आपको सब कुछ बता रही है जो कुछ भी हुआ, पर वो चाहती तो नहीं बताती। जैसा चल रहा था वैसे ही चलता रहता, नहीं मानती अपनी गलती, लेकिन नहीं, उन्होंने सबको सब कुछ बताया, सारा सच। फिर उनके सच का ये सलाह दे रहे हैं पापा, उसके पत्ते में ये। जिसमें मेरी बच्ची की खुशी है उसी में मैं खुश हूं भावना देवी। अब होगी मेरे सत्तू और परी की शादी। पंडित के मुहूर्त के अनुसार शादी की सारी रस्में पूरी विधि विधान से होगी और तब तक परी मेरे कमरे में रहेगी। और अब सबको हमारे घर आना। ठीक है भावना, चलो अब हम सब चलते हैं, घर जाके तैयारियां करनी पड़ेगी। माँ, तुम्हारी प्यारी बिटिया से मिलने का समय हो गया। तू उससे नहीं मिल सकता, भगवान के लिए ऐसा मत कर। माँ, मैं तुम्हारी या तुम्हारे भगवान की क्यों मानूं? अच्छा चलो मान भी लिया तो मुझे मिलेगा क्या? तू मेरी जान ले ले शिवपाल, लेकिन ऐसा मत कर। अब माँ, तुम्हारी जान मेरे किसी काम की नहीं, अगर होती तो सोचता। शिवपाल रुक जा, हम तेरे हाथ जोड़ते हैं। शिवपाल चला जा यहाँ से, मत हमारी भावना की जिंदगी बर्बाद कर, वरना हम पुलिस को बुला लेंगे। शिवपाल!